हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरे 4 बजे के बाद का व्लॉग है। देखिए, मैं शाम का बर्तन धो रही हूँ। मैं रात तक का दिखाऊंगी मैं क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ। बस बर्तन मेरा धुल ही गया है। और जो मेरे व्लॉग पे पहली बार हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच जाए। और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो को, इसके लिए आप सबको थैंक यू। बस मेरा किचन का साफ़ सफाई हो गया। मैं लगे हाथ बर्तन भी रख देती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। जैसे भी प्लेस को खाली कर दूँ, उसके बाद बेड वेड ठीक कर ली, झाड़ झोड़ लिया और झाड़ू लगाने आ गई रूम में। और वीडियो शूट मेरी बेटी कर रही है। ये पौधान देखिए, मेरे हाथ से बनाया हुआ है। मेरे रूम से झाड़ू मार करके आ गई। ये डाइनिंग स्पेस है। उसके बाद ये सासू माँ का रूम है। मेरे सासू माँ आगे में चेयर लगा के सब टाइम बैठे रहती हैं। ये मेरा मेन डोर है। बस मेन डोर मैं खोलूँगी और बाहर जा कर के झाड़ू मारूँगी। ये मेरा गेट का फ्रंट है। बस हो चुका। बस वही बाहर में ही मेरा कपड़ा सूख रहा था, मैं इसको भी उतार करके लेकर चली जाऊंगी। और लगे हाथ इन्हें भी फोल्ड करके रख दूंगी। और देखिए, बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 महीने हो चुके हैं, मेरे हाथ पैर ऐसे कि ऐसे थे सादा। वही आज बैठ करके सोचा नेल पॉलिश लगा लूं। बहुत दिनों बाद लगा रही हूँ, सोचा आपसे शेयर करूं। ये कलर बहुत मुझे पसंद है। ये नेल पॉलिश मेरी जेठानी मुझे गिफ्ट की थी छठ पूजा पे, अभी तक है। और अभी तक अच्छी है, सूखी भी नहीं है। देखिए कैसे लग रहा है। कैसे हैं आप लोग? आज मेरा ये व्लॉग बुधवार का है। बुधवार और टाइम है 5 बज रहा है। 4 बजे से मैं स्टार्ट की थी। आज आपको मैं पूरा शाम से रात तक का रूटीन दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। और अभी तो चाय का टाइम हो चुका है, पर हस्बैंड के आने के बाद पियेंगे। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और मेरा बाकी वीडियो भी आप लोग पसंद किए, इसके लिए थैंक यू। और जो लोग नए हैं मेरे वीडियो पे, वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप लोग कितने बजे चाय पीते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा कोई टाइम नहीं है, बस जब इच्छा हो गया बना लिया। मेरे घर में सब लोग चाय बहुत पीते हैं। बाकी लोग, मेरे परिवार का बाकी लोग तो कैमरा पे आना नहीं चाहते, बेटी या फिर हस्बैंड। पर मैं आपको एक मेंबर से मिलाऊंगी जो हम सब के लिए बहुत, हम लोग का प्यारा है, वो लकी है और बहुत प्यारा है। आप लोग को भी उस पर प्यार आएगा, आप लोग भी उसको पसंद करेंगे। ये मेरी गलती, प्लीज़ आप मिलिए। और मैं ये नेल पॉलिश लगाई हूँ, बताइएगा कलर कैसा है।
अच्छा हो अभी, अगर चेंज करना हो अभी, आगे बार से ट्राई करूँगी दूसरा कलर लाने का आप लोग के पसंद के लायक, ताकि आप लोग को अच्छा लगे। मैं इसे आप लोग के लिए इसमें लगाई, पर मैं ये राइट हैंड में नहीं लगाती, लेफ्ट में लगाती हूँ पर राइट में नहीं लगाती, आज आप लोग के लिए लगाई, अच्छा लगे। अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है ना, तो हाथ पैर कोमल और सुंदर दिखता है, नहीं तो ठंडे दिन में मेरे हाथ पूरे भूरे बन जाते हैं, गंदे वाले। ये देखिए, वेलकम माई बेबी, ये देखिए, ये मेरा बच्चा है, इसे हम लोग सभी लोग प्यार करते हैं। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय बोलो। और एक है, इसकी बहन है, उसको भी लाती हूँ। ये देखिए मेरी दोनों बच्चे, पर दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे को खाने को दौड़ाते हैं। देखिए इसे पसंद नहीं, इसे इंसान पसंद नहीं, ये भाग जाएगी, और ये काटती भी है थोड़ी बहुत, पर ये नहीं, इसे आदमी से बहुत प्यार, इसे आदमी से बहुत प्यार है, इसे जैसे रख दीजिए वैसे रहेगी। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। ये देखिए मेरे बच्चों को, कितने क्यूट, कितने सुंदर है ना, बताइएगा मेरे बच्चे कैसे हैं कमेंट करके आप लोग। ये देखिए, ये सबसे झगड़ालू है, ये हम लोगों को भी काटती है और अपनी बहन को भी काटती है, सगी बहन है, तो भी देखिए कैसे दूरियां कैसे, वो देखिए आप लोगों ने देखा कैसे काटी आकर के, ऐसे ही फिर आएगी देखिए, क्योंकि एक बार काट करके इसको शांति नहीं मिलेगी, ये फिर से आएगी झगड़ा करने। ये भी कम नहीं है, पर आज शांत है, आज कैसे शांत है, अंदर ये भी कम नहीं है, ये भी इसे दौड़ाती, दोनों एक दूसरे को दिन पूरे दिन दौड़ाते रहते हैं। और मेरी छोटी बेटी बहुत इन लोगों को प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, देखिए पूरा गुस्से में है, क्योंकि इसके इच्छा के खिलाफ बेड पे आई है, जब इसका इच्छा होता है खुद आएगी, आप लोगों को दिखाने के लिए लाई थी जो गुस्से में, देखिए देखिए दोनों को झगड़ा। और मेरे हस्बैंड आ गए, चाय बन गई है मेरी, और ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे आलू, जब खेत में ही होते हैं, जब हम आलू निकालते हैं तो ये पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता, ये आलू, ये मार्केट में मिली थी, मैं ले आई, इसे भूज करके खाने से बहुत अच्छा लगता है, मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी दोनों को बहुत पसंद है, जो बड़ा है उसे चार टुकड़ा और जो छोटा है उसे दो टुकड़ा कर दी, देखिए। अरे मैं चाय भी साथ साथ पी रही थी, और छौंकने में सिर्फ मेथी दाना और मिर्ची और कुछ भी नहीं, ये देखिए छौंक दी, अब इसे ढक कर मैं पकाऊंगी। ये लगभग पक चुकी है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पक चुकी है, इसमें नमक हल्दी अब डालूंगी, क्योंकि पहले डालने से चिपकने लगती है, और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से छिड़क दूंगी। कितने लोग इसमें सरसों का मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, वो भी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है। अब मैं तेज करके इसे कुरकुरा थोड़ा करूँगी, खुला में रख दूँगी क्योंकि ये पक चुका है, और एक साइड में देखिए मेरा तवा भी गर्म हो चुका है, मेरे हस्बैंड के लिए, मैं हस्बैंड और सासू माँ के लिए रोटी बनाऊँगी,
अपने लिए भी रोटी ही बनाऊंगी, बच्चों के लिए पराठा बनाऊंगी। आपको मैं दिखाती हूँ मैं पराठे बना करके। ये एक प्रकार का पराठा हुआ जो तीन कोण आया, जो हर कोई बनाता होगा। और ये हुआ दूसरा से, दूसरे तरीके से। ये देखिए गोल कर दिया, चपटा कर दिया, और इसे मैं गोल शेप में बेलन से बेल लूँगी। और ये रहा तीसरा शेप और तीसरे तरीका। देखिए ये हुआ चार कोण। ये चार कोण पराठा हुआ। और ये हुआ चौथा। पहले लोई को रखा, दूसरे लोई को तेल में डिप किया और इसे गोल में बेलन से बेल लूँगी। हुआ ना चार प्रकार का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा शेप आप लोग बनाते हैं। जिसे जो आसान लगा बना लिया। मैं ज़्यादातर ये तीन कोण वाली और गोल वाली ये बनाती हूँ। चार कोण बच्चे बोले तो, नहीं तो नहीं। बस आप लोग को दिखाइए कि चलो इस तरह से भी होता है। चार कोण सभी पराठे को ऐसे ही तेल लगा करके सेक लूँगी। हो गया रात का डिनर मेरा, ये रोटी, रायता, साग और भुजिया। और रात का ये देखिए, रात का बर्तन भी धुल गया, रात की क्लीनिंग मेरी हो गई सफाई। ये देखिए हो गई रात का मेरा काम ऑलमोस्ट डन, पूरा काम ख़त्म मेरा, ख़त्म। गुड नाइट।